अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं अब होली मिलने के लिए। तो हमने कहा आप लोगों से शेयर कर देते हैं। मेरी एक श्रीवास्तव फैमिली है, वो हमारी भतीजी लगती है, तो उसने होली पे हम लोग को बुलाया था। तो दो तीन दिन के बाद हम उनके घर जा रहे हैं। तो गाइज़, ये देखिए, हम अपने यहाँ से निकल चुके हैं और ये हमारे यहाँ का व्यू है। और ये टैक्सी उबर जो थी वो हम लोगों ने हायर कर ली थी, उसी से जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा था उनके यहाँ जाने के बाद में। खाने का प्रोग्राम था, उन्होंने खाने पे बुलाया था। ये गुड स्मार्टन स्कूल है, हमारे घर के पास में ही पड़ता है। कॉलेज है, काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छा है स्कूल है ये। तो गाइज, जा रहे थे हम लोग वहाँ पर, थोड़ी दूर पे है हमारे यहाँ से, करीब 15-20 किलोमीटर की रेंज में है जहाँ हम गए थे अपनी भतीजी के यहाँ। वो हिंदू फैमिली है, श्रीवास्तव हैं, हमने बताया आप लोगों को, लेकिन काफ़ी क्लोज़ हैं हम लोगों से। हमारे मैके की फैमिली है वो लखनऊ की। तो हम घर रखते हैं हर फेस्टिवल में और नॉर्मल डे में भी। कभी भी जब मन हुआ वो हमारे घर आ गई, हमारा मन हुआ हम उनके घर चले जाते हैं। तो गाइज़, हम निकल चुके हैं अपने यहाँ से और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फ़ीवर हुआ। हम दवा लेने के लिए गए थे डॉक्टर के यहाँ, और दवा लगने के बाद में जो उसको खाई है गाइज, तो वो हमको रिएक्शन कर गई। हम गिर गए अचानक, बेहोश हो गए, बीपी लो हो गया था बहुत ही ज़्यादा। फिर ले करके हमारे हस्बैंड, उनके फ्रेंड्स वगैरह, बच्चे, सभी लोग ले करके हमको भागे हैं डाल करके। कैसे ले गए हैं, क्या करा, हमें कुछ भी नहीं पता है। खैर, माशाल्लाह से अब तो बेहतर हैं, ठीक हैं। अभी भी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा। तो ये हम जा रहे हैं, ये आप हमारे दिल्ली का थोड़ा सा व्यू देख लीजिए, वहाँ का कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। सुबह का टाइम वही करीब 11-11:30 बज रहा है। ये हमारे हस्बैंड का ऑफिस, स्प्लेंडर फोरम, इसमें LIC में है मेरे हस्बैंड, वो जॉब करते हैं। और ये उनका ऑफिस है, ये जो ब्लैक कलर का ग्लासेस वाला जो दिख रहा है, ये उनका ऑफिस है। और ये साइड से अपोलो हॉस्पिटल दिखाई दिया है आप लोगों को। ये देखिए, दिख रहा है ये अपोलो हॉस्पिटल है, ये जो थोड़ा सा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है क्रीम कलर का, पेड़ पौधों के पीछे से जो दिख रहा है वो अपोलो हॉस्पिटल है। और ये मेट्रो ब्रिज है, उसके नीचे से होते हुए हम लोग अभी हाईवे पे, ये देखिए हमारी भी ऊबर टैक्सी जो है, हमारी भी कैब ऊपर चढ़ रही है, होते हुए हम अपने वहाँ जहाँ जाना था वहाँ जा रहे हैं, अपनी भतीजी के यहाँ। उन्होंने खाने में काफ़ी इंतज़ाम कर रखा था, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, कचौरी थी, पूरी थी और मटर पुलाव था, मीठे में मिठाई थी, गुजियाँ थी, पापड़ थे, बहुत सारा नाश्ता था, कोल्ड ड्रिंक थी और बैंगन भरे हुए बैंगन थे, अचार, सलाद। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा लगता है उनके यहाँ जाने के बाद में। और खाने से ज़्यादा जो है वो हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार जो हम लोग एक दूसरे को देते हैं वो काफ़ी मायने रखता है हम लोगों के लिए। छोटी सी एक उनकी बेटी भी है, अभी वो आप लोगों को आगे दिखाई देंगी, प्यारी सी हैं, बहुत रो रही थी हमारे आने के टाइम पर। हम शाम में आए थे वहाँ से 7-8 बजे करीब उनके घर से, बहुत रोई थी वो बच्ची मेरे साथ आने के लिए कि मैं अभी जाऊँगी मासी के साथ, नानी के साथ, हम उसकी नानी लग रहे हैं, तो वो हमको नानी के साथ, मासी के साथ, सबके साथ जाएंगे, बहुत रोई। फिर एक काफ़ी देर के बाद भी उनके घर से फ़ोन आया। ये देखिए, अब पहुंच गए हैं उनके यहाँ, ये उनके घर की गली है और ये उनका ब्राउन वाला घर है, ये वाला जो दिख रहा है गेट, ये उनका घर है। ये देखिए उनकी बेटी छोटी सी, इनका नाम अनिका है और ये प्यार से अवनी बोली जाती हैं। ये हमारे लिए स्टूल ला रही हैं कि आप इस पे बैठो, हम नीचे फर्श पे गद्दे वद्दे लगे हुए थे, बेड उस पे बैठ गए थे, तो वो कह रही आप इस पे बैठो। बाकी ये देखिए बेड भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था माशाल्लाह से।
लेकिन जब कई लोग होते हैं तो फिर बेड पे मज़ा नहीं आती है। हम लोग सब नीचे ही बैठ गए थे फर्श पे, मतलब बेडिंग थी नीचे उसी पे। तो वो बच्ची मेरे लिए स्टूल ला रही है कि आप इस पे बैठो। हमने कहा अच्छा, ये देखिए उनके घर का, ये उनके हस्बैंड हैं भतीजी के, ये बच्ची है। बहुत खुश हो रही थी वो भतीजी हमारी, थोड़ी सी दिख रही हैं। तो हम लोगों के लिए नाश्ता लेकर के आई हैं, उनके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर के गए थे क्योंकि अचानक उनका फ़ोन आ गया था, मैं तो हमें जाना पड़ गया था। तो हमने रास्ते से उनके लिए बस ऐसे ही छोटा मोटा सा नॉर्मल सा ड्रेस ले लिया था बच्ची के लिए। बहुत खुश हुई थी, उन्होंने फ़ौरन पहना भी उसको। पहनने के बाद में सारा दिन वो पहने रही। तो अच्छा लगता है गाइज़ यार, बच्चा है, बच्चा होने के बाद भी वो इतना रिस्पेक्ट करती है हमारी, इतनी बांधती है, इतनी मोहब्बत देती है बच्ची भी। और ये उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके गए थे, बस जल्दी जल्दी सब सामान लेकर के ऐसे ही पहुंच गए थे वहाँ पर। कि तबीयत, पता है आप लोगों को कि तबीयत मेरी नहीं सही चल रही थी, लेकिन जाना पड़ता है। ये अपनी मम्मी के लिए लेके गई हैं किचन में वो। और गाइस बताइए यार, अब कमेंट करा करिए अच्छे अच्छे अल्लाह का शुक्र है। वैसे फिर भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है कि लोग कुछ कमेंट करने लग गए हैं अब। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर देखने के बाद में आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा ब्लॉग, तो जो न्यू है वो सब्सक्राइबर वो सब्सक्राइब कर दें, और जो कमेंट करने वाले हैं वो कमेंट कर दिया कर दें, या लाइक शेयर कर दिया करिए आप अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी जिसको समझिए उसमें दे सकते हैं आप हमारा वीडियो। ये देखिए अपने वो टॉयज दिखा रही थी, माशाल्लाह से बहुत हैं उनके पास, बहुत हैं। काफ़ी टाइम के बाद में इनकी ये आई हैं इस दुनिया में, तो इनके माशाल्लाह से बहुत चाही जाती हैं, बहुत चाहत है इनकी ननियाल में, नानी दादी के घर में, सब जगह। तो इनके बहुत सारे टॉयज़ हैं। ये देखिए अपनी डॉल दिखा रही हैं, वो डांस कर रही थी, बहुत अच्छी डॉल थी। और ये अब हम शाम को निकल भी चुके हैं वहाँ से खाना ना खाने के बाद में। ये उनके वहाँ का व्यू है, थोड़ा सा घर के पास में मार्केट पड़ती है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये जो लोग थोड़े देख रहे थे वीडियो हमारा, हम लोग शूट कर रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे अपने अपने बच्चों से कि यार तो वीडियो शूट हो रहा है तो आप लोग हेलो कर दो, बच्चों से बोल रहे थे लोग। ये शाम का टाइम है, करीब 6:30-7 बज रहा है। हम लोग वहाँ से मार्केट के अंदर से हमारी टैक्सी निकल रही है, उधर से भी हमने टैक्सी अपनी हायर कर ली थी। और मार्केट तो फिर आप लोग जानते ही हैं कि कंजेस्टेड होता है, थोड़ा ज़रा स्लो चल रही है गाड़ी। अभी हम लोग बाहर निकल आएंगे, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये देखिए, और बहुत ही अच्छा, हर चीज़ बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी दिख रही थी। वैसे तो उतर के तो हमने देखा नहीं था, लेकिन गाड़ी के अंदर से ही देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मार्केट में, कि गैदरिंग बहुत थी मार्केट में। और ये हम शाम में अपने घर वापस आ गए थे। आने के बाद में अपने यहाँ फिर अपना रूटीन चालू हो जाता है, वही चाय पानी, खाना पीना, ये वो सब। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा था, आप लोग इसको पसंद करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बच्ची को दुआएं दे दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on.
turns to sun rays, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow.